के विकास के लिए। और यदि हमने एक दीपक जला लिया, आपने सवा सौ सब कुछ नहीं बोलूं क्या, निवेदन कर रहा था तो हमें 125 करोड़ आदमी की सुख की कामना की प्रार्थना का पुण्य कमा दिया। पुण्य कमाना बहुत आसान है, लेकिन उस पुण्य में पुरुषार्थ लगता है। तो कह रहा था कि भारतीय संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति का जो पहनावा है वो बड़ा, जब विवेकानंद अमेरिका की सड़कों से गुजर रहे थे केसरिया वाना पहन करके, तो कुछ अमेरिकन कुछ लोगों ने देखा कि यार ये तो संत महात्मा जी घूम रहे हैं, विवेकानंद को सम्मान नहीं दिया लोगों ने, उनके वेशभूषा को सम्मान दिया कि भारतीय आदमी है और भारत से जो आता है वो भगवान ही आता है, क्योंकि जितने भगवान जितने तीर्थंग जितने अवतार पुरुष पैदा हुए एक भी अवतार पुरुष अमेरिका में पैदा नहीं हुआ है, संपूर्ण अवतार पुरुष तीर्थंकर महापुरुष कहां पर पैदा हुए हैं, भारत की भूमि पर पैदा हुए, इसलिए हम तुम सब बड़े पुण्यशाली हैं। और इसलिए मैं फिर मेरा मन कहता है चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं, देवता तरसे इस धूली को ए धूली दुनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे सुख से भर दे दामन तेरे चरणों की धूल चरण आचरण। चेहरा नहीं पूजा, चेहरा सुंदर हो सकता है लेकिन चरित्र उससे भी ज्यादा सुंदर है। चेहरा जरा सा ठीक सुंदर है, चेहरा कभी भी बदसूरत हो सकता है लेकिन आचरण कभी बदसूरत नहीं हो सकता है। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, राष्ट्रीय पर्व को मनाना ताली बजाना सिर्फ हमारा अपना इतना ही दायित्व कर्तव्य नहीं है, इसके आगे भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। पर आज का आदमी दुनिया को सुधारने में लगा है, दुनिया को सुधार रहा है, दुनिया को ठीक कर रहा है, अब तुम दूसरों को मत सुधारो अपने आप को सुधारो। और जब व्यक्ति अपने आप को सुधारता है तो पूरा घर, फिर कहते ना बदले बदले हमें सरकार नजर आते हैं। जो व्यक्ति रोज गुटखा खा रहा हो, रोज बीड़ी सिगरेट पी लिया हो, रोज रात में पी लिया हो और घर में 7 दिन नहीं, अरे अब पापा गुटखा नहीं खाते हैं, अब हमारे एक पुनर्पीना बंद कर दिया है, निश्चित करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब छोड़ दो, मेरे पास आकर प्लीज हम दो और हमारे गिनती रहो, नायके दो हम दो हमारी गिनती रहो। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, भारतीय संस्कृति बहुत पवित्र संस्कृति है, नाम लेते मन प्रसन्न हो जाता है। भारतीय संस्कृति कहते ना दो प्रकार की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति विदेशी संस्कृति। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। और भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है जियो तो
जियो तो शांति से जी। अच्छा मैं एक मैके लगा दे भाई, थोड़ा सांस भी तो ले लू, मैं सांस भी नहीं लू, एक सौ से पूरा सब बोल जाओ। भारतीय संस्कृत का सिद्धांत है जियो तो सुख शांति प्रेम से जियो, और जब मरो तो मर के भी तुम अमर हो जाओ। ये भारतीय संस्कृति के यही कारण है कि भारत में जो भी मरता है उसके नाम के आगे स्वर्गी लिखा जाता है। विष्णु नारकी फलाने चंद्र, भारती में भारत में मरने वाले की गॉड गिफ्ट मिला है, गॉड गिफ्ट। जो भी भारत में मरेगा उसके नाम के आगे, लेकिन ये सब गॉड गिफ्ट अमेरिका में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां तो नाम के आगे गया ये गया, दूसरा भी जाने ही वाला है। इतना निवेदन कर रहा हूं और आपसे सूत्र दे रहा हूं, 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना, 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की हाथ की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना, 20 साल के हो जाओ खिलौनों से खेलना छोड़ देना। और मैं देखता हूँ आज के 50-50 साल का आदमी 60-60 गेम खेल रहा है, स्कोर बना रहा है, टाइम पास कर, बाबा जी क्या कर रहे हैं बेटा, अभी मैं खेल रहा हूँ। ईमानदारी ईमानदारी की जिस समय जाप पूजा पाठ का बाद उस समय गेम खेल लिया है, और नीति तो चश्मा लगा के खेल लिया कि अरे यार कोई मिस्टेक ना हो जाए। जिनवाणी पढ़ने में तुम्हारी आंखें दुखती है और गेम खेलने में तुम्हारा कुछ नहीं दुखता है, और एनर्जी मिल जाती है और तेज काम करने लगती है। निवेदन कर रहा हूं 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना, 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ देना, 30 साल के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ देना, 40 साल के हो जाओ रात में खाना छोड़ देना, 50 साल के हो जाओ होटल में जाना छोड़ देना, 60 साल के हो जाओ व्यापार से मुख मोड़ लेना, 70 साल के हो जाओ बिस्तर पे सोना छोड़ देना, 80 के हो जाओ लस्सी पीना छोड़ देना, 90 के हो जाओ जीने की आशा छोड़ देना, 100 के हो जाओ तो दुनियादारी को ही। इसका मतलब नहीं तुम घर जाके फांसी लगा के अभी मर जाओ, इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन की अंतिम पलों को, अंतिम समय को, एक एक श्वास को भगवान के नाम पे कर देना। जो श्वासें भगवान के नाम से गुजरती है वो अमर हो जाती है, और जो श्वासें संसार के नाम से गुजरती है वो श्वासें व्यर्थ हो जाती है। इसलिए किसी ने कहा ना, 10 में दौड़ा, 20 में बावलम, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका, 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गए, पाप बीज बो गए, अर्गम निर्पाप दी। किसने कहा सुहा एक मैं गला बस खत्म हो रही है बाबू, खत्म हो रही है। न्यूज भेजना क्या, न्यूज भेजना क्या, नहीं कठिनी का मन वही रहेगा, नहीं कोई बात नहीं।